नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर जो है लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। सुब्रत के परिवार में पत्नी स्वप्ना राय और दो बेटे सुशांतो राय और सीमांतो रॉय हैं। कंपनी के एक बयान के अनुसार रॉय का कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण निधन हुआ है। सहारा प्रमुख का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर सहारा राय का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ एयरपोर्ट से अब जो है उनके आवास के लिए रवाना हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इनका जो सहारा जो सुपुत्र राय का पार्थिव शरीर है कितने यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। प्राइम टीवी पे साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इनके स्वागत के लिए इनके कर्मचारी जो हैं और जो दम आँखों से यहाँ पर इनका जो है ये इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करने के बाद अब वो घड़ी आ गई है जब इनका सहारा श्री का जो पार्थिव शरीर है वो इस गाड़ी से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, प्राइम टीवी पे दिखाना चाहूँगा मैं कि इस गाड़ी से पार्थिव शरीर जो है यहाँ से ले के जाया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट। और ये लखनऊ एयरपोर्ट पे ये पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे ये यहाँ से निकल चुका है। अब ये इनका पार्थिव शरीर लखनऊ के जो गोमती नगर में सहारा इनका जो आवास है वहाँ पर ये पहुँचेगा और तमाम जो अंतिम जो इनका जो यात्रा है, अंतिम यात्रा में जो तमाम जो होना है वो सारी कार्यक्रम जो क्रियाक्रम है वो सारी चीज़ें होना है और तमाम लोग जो है वहाँ पे मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नम आँखों पर लखनऊ जो एयरपोर्ट है यहाँ से चार्टर्ड से, इनके चार्टर्ड से यहाँ पर इनको लाया गया था और जो लोग थे वो तमाम जो नम आँखों से काफ़ी समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। अब वो घड़ी आ चुकी है, लखनऊ से इनका एयरपोर्ट से जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो चुका है और रवाना होने के बाद ये आवास के लिए निकल चुका है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।